जनपद में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार की तरह मंगलवार की सुबह आसमान में काले बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। आपको बता दें कि बूंदाबांदी होने के साथ मौसम के टेम्परेचर में गिरावट आई है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है और अगले 14 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस बारिश के मौसम में नदियों में ना जाएं और जब भी बारिश का मौसम हो दामिनी ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लें। इस ऐप के माध्यम से यह पता चल सकेगा कि वज्रपात कब और कहां होगा, जिससे कि जान माल का नुकसान कम से कम होगा। उन्होंने कहा कि जनपद में कहीं पर किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गोला क्षेत्र में रविवार को नाव पलटने से पानी में डूबकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों को आपदा राहत निधि द्वारा 4 लाख प्रति व्यक्ति को वितरित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, फोरकास्ट था, अनुमान था, उसमें 5 mm से 10 mm लगभग 1 सेंटीमीटर वर्षा का अनुमान था, तो आज लगभग ऐसी ही वर्षा हुई है। आगामी दिनों में दिनांक 13 और 14 को फिर वर्षा होने का अनुमान है। वैसे सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में और न्यूज़ चैनलों पे या गूगल पे भी आप लोग देख सकते हैं, आगे के पूर्वानुमान आते रहते हैं। मेरा अनुरोध केवल इतना सा है, बारिश का मौसम है, नदियों में बहुत ही पानी है, मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति इस समय नदियों में ना जाए और जब भी बारिश हो तो दामिनी ऐप वो अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर ले, उसको ओपन करेंगे तो ये मालूम हो जाएगा कि उनके आसपास वज्रपात होने की संभावना है या वज्रपात हो रहा है। उन दिनों में घर से बाहर ना निकलें या छाया पेड़ के नीचे भी ना खड़े हों, कहीं पर भी पक्की छत के नीचे ही खड़े हों, तभी आप लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी तक पूरे जनपद में कहीं पर भी कोई जनहानि की सूचना नहीं है, केवल गोला क्षेत्र का जो बड़हलगंज क्षेत्र है, परसों वहाँ 2 लोग कम पानी के क्षेत्र में ही नाव से जा रहे थे, कुल 5 लोग थे, तो नाव के पलटने से 2 लोगों की डूब करके मृत्यु हो गई थी। उनके जो भी परिजन थे, जो उनके वारिस थे, उनको आपदा राहत का पैसा 4 लाख रुपये प्रति हेड के हिसाब से वितरित कर दिया गया है।